नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित पांडे। भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर भारत की स्थिति अब थोड़ा बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच भारत ने अभी तक 2 विकेट गंवा दिए हैं, मतलब कि रोहित शर्मा और केएल राहुल पवेलियन वापस जा चुके हैं। ऐसे में आज एक बार एक दिलचस्प नजारा मैच के दौरान देखने को मिला। दरअसल जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा तो आपको याद होगा कि लॉस्ट टेस्ट में जार्वो जो बॉलिंग करने आए थे, यहां पर वो बैटिंग करने पहुंच गए। मतलब रोहित शर्मा के आउट होते ही वो पैड अप करके फील्ड के अंदर घुस गए और स्टांस लेकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो गए। इतने में सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से पहुंचे और जार्वो को वहां से हटाने लगे। इस दौरान का नजारा बेहद ही दिलचस्प था। जार्वो जो कि 69 नंबर की जर्सी पहनकर बीच फील्ड पर नजर आए, वो लॉस्ट टेस्ट में भी जब भारतीय टीम बॉलिंग कर रही थी तो उस वक्त वो बॉलिंग करने के लिए पहुंच गए थे। मोहम्मद सिराज से ये बोलते हुए नजर आए थे कि गेंद हमें दीजिए, हम बॉलिंग करेंगे। अब वो एक बार फिर से बीच मैदान पर पहुंच गए और बल्ले के साथ वो बल्लेबाजी करने की जिद करने लगे। ऐसे में तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंचे और अंपायर्स ने उन्हें वहां से हटाने के लिए कहा। जल्दी जल्दी सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक बार फिर से जार्वो को खींचकर मैदान से बाहर किया। लेकिन इस दौरान का नज़ारा बेहद ही दिलचस्प था और जो भी फैंस स्टैंड में थे वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। साथ ही इंग्लैंड के प्लेयर्स भी ये नज़ारा देखकर भौचक्के रह गए। हालांकि इस दौरान कोई पहचान नहीं पाया कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी कौन करने आ रहा है। लेकिन जब जार्वो बीच मैदान पर पहुंच गए तो सबको ये एहसास हुआ कि ये वही प्लेयर है जो दूसरे टेस्ट में बॉलिंग करने के लिए आया था। आप भी ये वीडियो जब देखेंगे तो खूब मजा आएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जार्वो की ये हरकत आपको कैसे हंसाई और कैसे गुदगुदा रही है।